अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व यानी कि श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा से शुरू हो गया है। लोग अपने पूर्वजों का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए उनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, जिसके चलते उज्जैन की गया कोटा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि सांदीपनी आश्रम में विद्या अध्ययन के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गुरु पुत्रों के मोक्ष के लिए यह तीर्थ स्थापित किया था। यहाँ भगवान विष्णु के श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के लिए 16 चरण विराजित है, जहाँ श्राद्ध पक्ष के दौरान दूध अर्पित करने से पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान देश भर से लोग यहाँ आते हैं और सप्तऋषि मंदिर में अपने पूर्वजों के निमित्त दूध अर्पित कर तर्पण करते हैं। अवंतिका क्षेत्र गया कोठा स्कंद पुराण के अंतर्गत उल्लेख मिलता है, वृद्धि श्राद्धे तथा प्रोक्तम महालय क्षेत्राधिकार तथो दस गुणा प्रोक्तम प्रयाग यदि शतम प्रयाग दस गुणा तृप्ति कुरुक्षेत्र के शतम कुरुक्षेत्रान तथो यास दशाधिका गया स्मृतम तथो दशाधिका न्यास महाकाल वनेश्वे अवंत्यायाम सर्वत्र पुण्यम गया तीर्थ च सर्वदा यत्र प्रविष्ट मात्रेण पित्रौ निरयसिताम ते सर्व स्वर्गमायन्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात भगवान कृष्ण जब सांदीपनी आश्रम में अध्ययन करने आए थे तो गुरु माता के अनुरोध से बिहार में जो फल्गु नदी बहती है उस फल्गु नदी को इस ऋषि तलाई के अंदर पकड़ करके उनका अचट श्राद्ध तर्पण और पिंडदान कराया और सप्त ऋषियों के माध्यम से इस कार्य को संपादित कराया। धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, मोक्ष के रूप में हमारे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उन सनातन धर्म के अंतर्गत हम सभी हमारे प्राणियों के लिए, क्योंकि जब सूर्य कन्या राशि से वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है तो सारे प्राणी जो रहते हैं वह यम लोक से उतर के धरती लोक पर आकर के ये इच्छा रखते हैं कि हमारे निमित्त, हमारे पूर्वजों के निमित्त कुछ न कुछ यहाँ पर कार्य किया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के 16 चरण अंदर बने हुए हैं, जो एक एक तिथि का एक एक चरण है। उन एक एक तिथि के चरण के ऊपर दूध, जल, तुलसी पत्र, श्वेत पुष्प और तुलसी पत्र के अलावा अपनी मनोकामना वहाँ अर्पण करते हैं तो हमारी 71 पीढ़ियाँ प्रसन्न होकर के हमें आशीष देती है, जिससे हमारे हाल में, रोजगार में, व्यापार में, व्यवसाय में, धन दौलत, घर परिवार में आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि राथांतर कल्प में सर्कतर्क नाम का एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण के 5 बच्चे मर चुके थे। उसके प्रायश्चित में मृगचर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीर धनवा शिकार खेलने के लिए आए। राजा ने उन्हें हिरण समझ करके मार डाला। राजा ब्रह्म हत्या से काला और जटाधारी हो गया। राजा जब आगे गया तो भालव मुनि की कपिला गाय को देखा, कपिला गाय को भी मार डाला तो गौ हत्या भी उसको लग गई। तब वह वामदेव मुनि के पास गया और वामदेव मुनि से कहा कि प्रभु मेरे से इस तरह के अपराध हो गए, मैं क्या करूँ? तब वामदेव मुनि ने कहा कि तुम अवंतिका क्षेत्र में गया कोठा तीर्थ पर जाइए, वहाँ जाकर के जटेश्वर महादेव की आराधना कीजिए और उनकी तपस्या कीजिए, आपका मोक्ष होगा। श्राद्ध के समय में हर द्विज को यह कथा पिंडों के समक्ष सुनाना चाहिए। इससे सुनने से 71 पीढ़ी के प्राणी संतृप्त होकर के हमारे को आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। धर्म की जय। पंडित सुमन सर।